वीडियो नंबर 4 मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 2 पार्ट 5 मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 2 राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस पार्ट 5 हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। जी बच्चे पार्ट 5 की रेडी कर लीजिए अपने रजिस्टर्स पे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट पूरी लिखिएगा। सॉल्यूशन में हम करते हैं लेट, ये फ्रैक्शन को हम लेट करते हैं। आप देखिए फ्रैक्शन क्या है, x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, देखिए यहाँ पे डिग्री 1 है और यहाँ पे 1 और 1x और 1x यानी x मल्टीप्लाई x करने से x स्क्वायर हो जाएगा। तो न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 2, तो आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। बच्चों जब आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप देखें डिनोमिनेटर, पहली चीज़ आपने देखनी है कि कौन सी फ्रैक्शन है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपने फैक्टर्स देखने के, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स क्या हैं। डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं x प्लस 2 और x प्लस 3, दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर x प्लस 2 वो भी लीनियर है, दूसरा फैक्टर x प्लस 3 वो भी लीनियर है, और इनमें कोई रेपिटिशन भी नहीं है, कोई रिपीट नहीं हो रहा, और लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है, और इरिड्यूसिबल है, फर्दर इनको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते। जब हमारे पास न्यूमरेटर में दो फैक्टर्स होंगे, डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स होंगे, तो यहाँ दो फ्रैक्शंस बनेंगी। इधर कितने फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं, तो फ्रैक्शंस भी दो बनेंगी। अगर आपका डिनोमिनेटर आप x प्लस 2 कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर लीनियर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट लेना, यानी यहाँ डिग्री 1 है तो यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि डिग्री 1 के बाद 0 डिग्री होती है, यानी कांस्टेंट होता है। इसी तरह से यहाँ भी लीनियर फैक्टर है तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट लेना है। यानी अब हमारे पास इस ये स्टेप क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। इसको हमने नेम किया इक्वेशन नंबर 1 से। अब आपको मालूम है यहाँ फ्रैक्शंस हैं, और हम फ्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए LCM की हेल्प लेते हैं, तो हम बोथ साइड पे LCM से मल्टीप्लाई करेंगे। LCM है जी x प्लस 2 इंटू x प्लस 3। बोथ साइड पे LCM से मल्टीप्लाई किया, किसको, दोनों तीनों टर्म्स को, इसको भी और इसको भी, यानी x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 ओवर x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय a ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय b ओवर x प्लस 3। यहाँ से x प्लस 3 फैक्टर कैंसिल हो गया, यहाँ x प्लस 2 और यहाँ पर दोनों फैक्टर। अब आप देखें आपके पास आ रहा है x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू ए और x प्लस 2 इंटू बी। अब देखें ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है। अब इस इक्वेशन में आपने गौर करना है, आपके पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 3 इंटू ए प्लस x प्लस 2 इंटू बी। जब हमारे पास लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो हम जीरोज मैथड की हेल्प लेते हैं। जीरोज मैथड मतलब हम x प्लस 3 को या x प्लस 2 को बारी बारी जीरो से इक्वेट करेंगे। तो देखें पहले मैंने x 2 को 0 से इक्वेट किया, माइनस 2 आ गया, इस माइनस 2 को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूंगी। एक और बात गर्ल्स गौर से सुन लें, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये आइडेंटिटी है, दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x, मगर हमें पर्टिकुलर कौन सी वैल्यूज लेनी है जो के लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में यहां दिए हुए हैं, जैसा कि x प्लस 3 और x प्लस 2। इसीलिए इसको जीरोज मेथड भी कहते हैं कि हमने x प्लस 2 को 0 से इक्वेट किया, वैल्यू आ गई माइनस 2। हम माइनस 2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहां आपके पास x है उसकी जगह माइनस 2, x की जगह माइनस 2 और x की जगह माइनस 2, यानी आपके पास इक्वेशन आ गई माइनस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 इंटू ए प्लस माइनस 2 प्लस 2 इंटू बी। ये पोर्शन तो माइनस 2 प्लस 2 आपका 0 हो जाएगा, यहां पर माइनस 2 प्लस 3 का रिजल्ट आ गया 1, और माइनस 2 एंड माइनस 2 बिकम्स माइनस 4, यानी हमारे पास आ गया माइनस 4 इज इक्वल टू 1 ए प्लस 0 बी एंड माइनस 4 इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू माइनस 4। आपको जीरोज मेथड की हेल्प से ए की एक वैल्यू मिल गई। अब हमने एक लीनियर फैक्टर को 0 से इक्वेट किया था, एक और लीनियर फैक्टर मौजूद है उसको भी 0 से 0 के इक्वल करेंगे, और ये भी जीरोज मेथड है। तो आपने क्या करना है, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब x की जगह आपने पुट किया माइनस 3, x की जगह आपने पुट किया माइनस 3 और x की जगह आपने पुट किया माइनस 3, तो हमारे पास आ गया माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 इंटू ए प्लस माइनस 3 प्लस 2 इंटू बी। यहाँ से माइनस 3 एंड माइनस 2 बोथ बिकम्स माइनस 5, माइनस 3 प्लस 3 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, और माइनस 3 प्लस 2 ये माइनस 1 भी आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो आपके पास आया माइनस 5 इज इक्वल टू 0 माइनस बी, 0 मतलब खत्म हो गया, माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस इज कैंसल्ड ऑन बोथ साइड, 5 इज इक्वल टू बी यानी बी इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ए की वैल्यू माइनस 4 और बी की वैल्यू 5 हम किससे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में,
जरा देखें क्वेश्चन नंबर वन आपकी क्या थी. x माइनस टू ओवर x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए ओवर x प्लस टू प्लस बी ओवर x माइनस थ्री. यहाँ आपने a की वैल्यू माइनस फोर और b की वैल्यू फाइव पुट कर दी. ठीक है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x माइनस टू ओवर x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री आर माइनस फोर ओवर x प्लस टू प्लस फाइव ओवर x प्लस थ्री. ठीक है बेटा, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो अपना फीडबैक दें, कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से पूछें. थैंक यू सो मच, अस्सलामु अलैकुम.